भाई। और कोई बताओ, कुछ एक बार डाउट हो तो तुम्हारा। मैं कल तो अभी डाउट आप लोगों के जो मैंने लिखे थे वो भी मैं कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि तो टाइम लगा नहीं मुझे। बाकी कुछ डाउट हो किसी को, कुछ और रिगार्डिंग पूछ ले, ताकि मेरे साथ 15 मिनट हम गलत कुछ बात कर पाए। हो गया कल मेरे साथ। मेरा कोई ना क्यों कोई दिक्कत जरूर आ जाती है मेरे साथ। बेटा, ऐसे होता है, कोई काम सीधे सीधे नहीं हो सकता, ठीक है? ये हमेशा याद रखो, जीवन भर का बात है, जीवन भर की बात है। कोई कोई दिक्कत आती ही आती है, यही जीवन है, ठीक है? जैसा सोचेगा वैसा तो जीवन में कभी नहीं होने वाला, कभी हो जाए तो मतलब किस्मत है तेरी। कल कल आपने सिर्फ इनफाइनाइट वायर वाला केस करवाया था ना, हाँ बेटा, वही कराया था बस, और कुछ नहीं कराया। और तो सेमी इनफाइनाइट वाला हो रहा है अभी। अभी तो कुछ कराया ही नहीं है, अभी तो ऐसे ही टाइम पास किया। अभी तुमने तो इनफाइनाइट वायर बताई भी नहीं कि वो इनफाइनाइट वायर होती है। ओके सर, सर फिर से नहीं लिख पाया मैं सारी डीपीपीज। सर क्या नहीं लिख पाया? डीपीपी नोटबुक में नोट नहीं कर पाया है। मैं तो एसएसटी कोई क्लास बात नहीं, का काम करे जा रहा था बस। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बता दिया था, मतलब मैंने कल क्लास इसीलिए 5-10 मिनट जल्दी मैंने छोड़ दी थी, इसी वजह से छोड़ सर आज डाउट, दिया। हाँ बेटा बता, कौन से डाउट किसके रिगार्डिंग लेने हैं? सर लाइट चैप्टर की HDPP का क्वेश्चन नंबर 10। अभी बैठ खाली बैठे हैं तो बार बार दोबारा ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेता हूँ, 1 मिनट रुको, जरा DPP खोलने दे, ठीक है? 1 सेकंड। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। एंड क्लास 10th 1 खुलना गया था या यही कोई नहीं, ठीक है ठीक है। कहाँ गुफाओं में रखा हुआ है चीजें? लाइट ऑप्टिक्स की कौन सी वाली? सर 8H। एच, ये TIR और प्रिज्म वाली? नो सर, टी आई आर प्रिज्म नहीं, सर एच। उसके सर नहीं, जस्ट एक डीपीपी बाद, मतलब उसके उसके नेक्स्ट बाद वाली है। वाली डीपीपी। हाँ ओके GHI होनी चाहिए। ओके कोई बात नहीं। ओके तो इसमें कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर 10। क्वेश्चन नंबर, हाइपोमेट्रोपिक इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू द पर्सन फाइंडिंग डिफिकल्ट इन द सीन, ये वाला? सर इफ अ 3 सेंटीमीटर प्ले ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपने लग रहा है फिर से गलत डीपीपी खोल ली है। पता वो नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ। 1 सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला ना, पता नहीं मैंने किसको क्या नंबर डाला हुआ है। पहले इफ अ लेंस इज कट क्वेश्चन इनटू टू फेसेस, ये वाला? सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन मंगवा लीजिए। 1 सेकंड, इफ अ लेंस कट इनटू 10 टू पीसेस, ये वाला क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर वो वाला नहीं है। उस डीपीपी के स्टार्टिंग में ना एक कॉन्वेक्स लेंस बने होंगे बहुत सारे, और वो 4 कॉन्वेक्स लेंस ही होंगे उसमें, मतलब 1 सेकंड रुकिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट, ये क्वेश्चन होगा। अगर सारा खोल लिया मैंने, देखते हैं। इसमें मेरे पास चारों में मुझे तो कोई नहीं दिख रही है। हाँ अच्छा है, 1 मिनट रुको, नहीं मुझे कोई नहीं दिख रही, 1 मिनट रुकिए, मैं डाउनलोड ही सीधा वहां से करता हूँ। पता नहीं मैंने डाउनलोड तो किया था, वो कौन सी डाउनलोड हो गई पता नहीं, ताकि बार बार डाउनलोड ना खोलनी ना पड़े, इसलिए मैंने एक्चुअली वो किया था। 1 सेकंड रुको। सर मैं भी ऐसे रख लेता हूँ मॉड्यूल और बाद में खो जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। नहीं मैंने खोए तो नहीं है, हैं सारे वहीं पे। तो सर क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इससे ओके, स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। मैं अभी एक बार ना सीधा वहीं से डाउनलोड ही कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक, मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दो, मतलब एक नहीं मतलब 25 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। रेडिकल बैच अपना, फिजिक्स हमारा है टॉपिक,
अब आप मेरे से कह रहे हो जी वाली राइट, जी एच 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 राइट सर, एच बोल रहा हूँ। ओके आई सी दैट, ओके ये वाली है ही नहीं मेरे पास, बहुत बढ़िया। चलो पहले तो इसी को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ओके इफ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल। मैं कॉपी कर लेता हूँ, अरे सर एक क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन सर ऑप्शन में एक में मीटर दे रखा है, एक में सेंटीमीटर। तो मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये सर कि हमारे साथ धोखा हुआ फिर से। अच्छा U निकालना है। If three object meter tall perpendicular to the principal axis of convection and focal length 15 cm produces a real inverted image of height 15 cm. ओके पांच गुना ज्यादा। सर इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन ये दिखा रहे हैं करेक्ट। हाँ दिखा तो ही रहे हैं, और होना क्या चाहिए सब सेंटीमीटर में, चाहे सी होना चाहिए ना, क्योंकि सर ए मीटर में दे रखा है सर। अच्छा ओके समझ गया। हाँ ठीक है सी होगा, ठीक है सी होगा दोनों सर। हाँ मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन यू और वी में पांच गुना होगा। हाँ मैग्निफिकेशन पांच गुना का ही तो हो गया। हाँ ठीक है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कन्वेक्स लेंस है तो अपोजिट साइड ही बनेगा। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मेरी नेटवर्क जा रही है क्या, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है? तो ऑप्शन सर सी ऑप्शन एक बार बोलना क्या है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है यू जो है वो -18 सेंटीमीटर और वी जो है +90 सेंटीमीटर। ठीक कह रहा है बच्चा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बाकी सब मीटर में है ना, तो इसलिए वो कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब मुझे जो महसूस हो रहा है। सी ही आएगा ऑप्शन, मैं इसको सही करा देता हूँ। एक बात बताओ, जब यहाँ पे कॉनकेव लेंथ दिख रहा है, कॉनवेक्स कॉनकेव नहीं है भाई, कॉनवेक्स ही है। ओ सॉरी सर, डबल टू ऑप्शन सी करेक्ट। मैं इसको चेंज करा देता हूँ, ठीक है बेटा, लिख लिया मैंने अभी करा। ओके और बताओ। और सर ह्यूमन आई की भी फर्स्ट डीपीपी में एक डाउट था। ह्यूमन आई, अभी ह्यूमन आई ढूंढनी पड़ेगी भाई साहब। नहीं एसी में है ना, ह्यूमन आई की फर्स्ट डीपीपी में, इसमें क्या हुआ? निकाल ली मैंने, बताओ। सर क्वेश्चन नंबर तो सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन शायद से 10 ही था, या 10 या 11। सर उसमें डायग्राम बना हुआ है, मतलब इमेज जो है रेटिना के बाद में फॉर्म होगी। क्या दिक्कत आई सर? इसमें हाइपरमेट्रोपिक होना चाहिए ना, मायोपिया ही होना चाहिए ना। मायोपिया का डायग्राम देख 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 कहाँ देखेगा हमारा क्वेश्चन। सर मायोपिया ही में तो, लेकिन सर जो रे वो बीच में बनती है ना सर, रेज जो होती हैं मीट करती हैं, पहले बन जाती है क्या सर? वो पहले बन जाती है। यस सर, वो एक्सटेंड हो रखी है सर, देखा है डायग्राम। अच्छा नहीं नहीं एनसीईआरटी से देख लो, मैं समझ गया मैं क्या दिक्कत है। हाँ ठीक कह रहे हो, वैसे मुझे भी ध्यान आ गया। सर आपने सर कितना पढ़ा दिया? मैं बिल्कुल सारा खत्म होने वाला है, बस अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की मैं डीपीपी देने वाला हूँ तुम लोगों। हाँ बेटा ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया ही है, ठीक है। सर अभी आपने अभी चैप्टर स्टार्ट तो नहीं कराना अभी? नहीं बेटा मैं बता तो दिया, खत्म कर दिया मैंने, तो लेट आया है। कहाँ था अभी तक? सुबह से क्लास चल रही है, 4 बजे से नहीं थी क्लास। सर हमें 4 घंटे हो गए पढ़ते हुए। बताओ सर कैसी बात कर रहे हैं? 2 घंटे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, के कुछ क्वेश्चन तो सर हुए भी नहीं। कोई नहीं भाई, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो दिखा देंगे, क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल
कोई बात नहीं, मैसेज क्यों नहीं आया तेरे, मैसेज नहीं आया सर मेरे पास, प्रॉब्लम नहीं आया। अरे यार पर क्या, चल कोई बात नहीं यार, पर कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो आराम से देखियो, कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो क्लास के बच्चे और तो हैं, इनसे पूछ लियो। ना मजाक कर भाई, एमपीएस सर मजाक कर, मजाक हद हो गई, मतलब मैं मजाक क्यों करूंगा भाई, बेटा बोलो मैं डीपीपी 3JK क्वेश्चन नंबर 15 बता दो बेटा। 3 कौन सी, मतलब 3 मतलब क्या होता है, 3 नामक कोई चीज है, लाइट कह रहा है, चैप्टर लाइट का जे डीपीपी जे, अभी 3 कह रहा था, अभी जे पे आ गया। अरे सर चैप्टर 3 था वो। ओके इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 The refractive index of glass with respect to this is greater than that of the air is this. The glass with respect to air, what is this? When the convex lens whose focal length is 20 cm, when immersed in water, okay. हाँ तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है आपका, बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं बेटा, एक मिनट रुकना, एक सेकंड दो रुकना, मैं लिख ही देता हूँ, ये आप कॉपी तो करना, मुझे क्या बनना है, जस्ट प्लीज वेट अ सेकंड राइट, जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा राइट, यस सर, यस सर, यस सर दिख रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लें सभी, मैं उसका बताता हूँ आप, ओके वैसे इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, इसमें तो वो वाला फॉर्मूला लगना था, लेंस मेकर वाला, हाँ वही 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 लगना था, वही वही लगना था, सही पकड़े तो, अच्छा ओके सो जो क्वेश्चन था हमारा, जो फॉर्मूला है, एक सेकंड बेटा, म्यू टू म्यू वन, हाँ बोल बोल, ये सर सर क्लास अच्छा। में एक स्टूडेंट सुर आया है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहा है सर फ्री में, क्या 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 बोला, क्या बोला सर, इधर बैठ के जो है मैसेज चैट बॉक्स में ऐसे लिखे जा रहा है, इसे बाहर निकलवा दो सर, कौन है, सुधांशु राय, सुधांशु, सुधांशु राय सर चला गया, ये सर उसने अब लेफ्ट कर दिया, अरे पता नहीं लिंक कौन, नहीं नहीं आईडी साथ रहता है, इसको लिंक तो अपनी क्लास का कोई बच्चा देता होगा, हां रोज रोज आते यही पूछता है सर, रोज आते यही वाली बात पूछता है, पता नहीं बेचारा करीम नाटी का फैन होगा, कुछ तो है, कोई बात नहीं, कोई तो किसी का फैन है, अच्छा ध्यान से देखो, कन्वेक्स लेंस अगर फोकल लेंथ है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस 20 होगी, क्या सबको समझ में आता है, यस सर, यस सर, तो अब उसने क्या कहा कि इस ग्लास, पहले जो था वो ग्लास जो था एयर में रखा था, तो यहाँ पे म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1.153 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, देन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एफ, क्या होगा, ग्लास को मैंने किस में रख दिया, एयर के अंदर, सॉरी अब वाटर के अंदर, लेकिन वाटर का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ ज्यादा खास तो था नहीं, 1.33 था, तो अब ये हो जाएगा नई फोकल लेंथ हमारी 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2, बस आप डिवाइड कर दो और मजे लो बेटा, समझ में आ गया, यस सर, ये 1/r1 ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तू तो करता ही रहे, तू यही करता रहता है, बाद में भी तू देखियो तो एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तू यही कहता रहेगा, अरे सर वहां कैलकुलेशन मिस्टेक सर, 50 सवालों में सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर, वैसे तो सब सही किया था सर, सर हां सर, ये जो फॉर्मूला ऊपर म्यूट अपॉन म्यू वन माइनस वन, सर ये वाली क्लास ऐसे में ले नहीं पाया था सर, ये किस चीज का फॉर्मूला सर, ये बेटा होता है कि जैसे अगर हमें एक लेंस दे रखा है और लेंस का कर्वेचर दे रखा है, जैसे इस वाले का कर्वेचर आर वन है और इस वाले का कर्वेचर आर टू है, ठीक है, यस सर, तो जिसपे पहले टकराती है उसका कर्वेचर आर वन कहते हैं लाइट रे, अगर मैं इधर से लाइट रे टकराऊंगा तो ये वाला आर वन हो जाएगा, पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, वैसे मैंने इतनी चीज बताई नहीं थी क्लास में, दूसरा क्या है, ये वाला जो होता है इसको हम ये होता है 2 हमारा, इसको ऐसे मान लें, और जो बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है,
तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन कहते हैं, दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं होगा। अब उसने क्या कहा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव भी होगा तो भी सेम होगा, बस फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है और कुछ नहीं, और कुछ डिफरेंट नहीं। ओके सर, ओके। और मैं ना जब डीपीपी कर रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा रश में आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने से अपने कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। नहीं बेटा, थोड़ा ना ध्यान तसल्ली से किया कर, क्योंकि अभी तसल्ली से करेगा तो पेपर में जल्दी कर पाएगा, ठीक है ना। अभी तसल्ली से नहीं करेगा तो पेपर में भी तसल्ली से नहीं करेगा, तो पता नहीं लग पाएगा। शुरुआत में समझने के लिए कर लो, एक बार दोबारा रिपीट कर लो, तो जल्दी जल्दी कर लो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और तू अच्छा कर सकता है, मतलब मुझे जिस हिसाब से तू बताता है, लेकिन ऐसे करेगा तो दिक्कत आएगी। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहा था। हाँ बेटा, सर डीपीपी सर थर्ड के सर एच वाला पार्ट सर, जो सर क्वेश्चन नंबर 9 है सर, उसका एक बार आंसर चेक कर लीजिए। एच वाला पार्ट का 9 क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुक, दोबारा दोबारा खुलने को होता है इसमें ना, ओके आई विल जस्ट ट्राई। ओके, यू आर सेइंग एच वाले पार्ट का क्वेश्चन 9, एच वाले पार्ट का कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन 9, इमेज क्रिएटेड बाय कन्वर्जिंग लेंस, यही है ना, द इमेज क्रिएटेड बाय कन्वर्जिंग लेंस इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। अरे नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना भाई, मुझे पता है नहीं विजिबल हो रही। द इमेज क्रिएटेड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन दैट इज 60 सेंटीमीटर अवे, यही वाला क्वेश्चन है? यस सर, यस सर, ये वाला। सर इसका तो सही आ रहा है, 48 ही आएगा। ले बेटा, बच्चे ने कर रखा है 48 ही बता रहा है वो। 48 ही आ रहा है सर, 80 आ रहा था मेरा। हाँ तो गलत आ रहा है ना, मतलब कोई बात नहीं, गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा करो, ठीक है सर। हाँ, ह्यूमन आईक्यू फर्स्ट डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 12। ह्यूमन आई कहाँ है? ह्यूमन आईक्यू फर्स्ट डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 12। Most of the refraction takes place. इसमें क्या दिक्कत आई? तो सर इसका C होगा ना? Outer surface और क्या? C होना चाहिए इसका, ये जबरदस्ती दे रखा है, हद हो गई है, मतलब बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तो हम पढ़ा पढ़ा के पागल हो जा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, सब बेकार हो जाएगा। 3 2 6 9 1, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बेटा, 3 2 6 1 9, ओके राइट, इट इज ऑप्शन इज सी, कॉट नहीं, ठीक है, सबके आंसर अब तक सी ही आए हैं, जितने भी गलत क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ बेटा, सर मैं सर एक व्हाट्सएप पे भेजा सर, एक क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, बहुत बढ़िया। उसी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दो। 8th 8th 8th, एक मिनट रुक जा। मायोपिया इज ड्यू टू सर, आज मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर ही कराओगे? हाँ बेटा वही कराऊंगा, वही कराऊंगा, बस अभी एक मिनट में शुरू करा रहा हूँ, एक दो मिनट में। मायोपिया इज ड्यू टू एक्सेसिव फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, नहीं आई थिंक इसमें गड़बड़ है, एक्सेसिव पॉजिटिव फोकल लेंथ, जल्दी बेंड हो रहा है मायोपिया, नहीं बाद में बेंड हो रहा है, नेगेटिव डायोप्टर आई लेंस बेटा, इसका बी आएगा शायद। सर हमें कैसे पता होगा, ये तो आपने बताया ही। हाँ ये बात भी है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। अच्छा मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में इमेज पहले बन जाती है रेटिना से, दूर का सर इंफिनिटी से कम होता है फार पॉइंट। अच्छा पहले बनती है ना, अच्छा पहले बन जाती है मायोपिया से, राइट? मायोपिया में, ठीक है, अगर मायोपिया में पहले बन जाती है तो इसका आंसर फिर ए होगा। मैं तो ध्यान ही नहीं आता, डायग्राम में ध्यान नहीं आता, एक सेकंड रुको। मैंने भी यही किया था लेकिन वो गलत दिखा। एक सेकंड रुको, देवेश आनंद इज प्रेजेंटिंग, बेटा देवेश आनंद क्यों प्रेजेंट कर रहा है? सॉरी पता नहीं, सुनना नहीं कर रहा हूं, तो लेफ्ट कर दिया। एक सेकंड रुको, मैं अपनी एंटायर स्क्रीन नहीं करता हूं, काम बनेगा नहीं, एक सेकंड रुकना। क्या कह रहा था मैं अभी, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी। क्या कह रहा था, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये वाला, नहीं ये वाला नहीं था, अरे भाई ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। उसने कहा मायोपिया इज ड्यू टू, अब मायोपिया किसकी वजह से होता है, नहीं क्या होता है? तो हमने क्या देखा है कि मायोपिक आई के अंदर, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिखाऊं, पता नहीं वो है भी या नहीं,
एक सेकेंड, हाँ ये वाला। तो देखो मायोपिया के अंदर क्या हुआ, जो इमेज है वो पहले बन गई, पहले बन गई तो क्या सबको समझ में आता है कि इस लेंस की पावर बढ़ गई होगी, तभी तो उसने पहले कन्वर्ट कर दिया। यस सर, छोटी हो गई। यस सर, जल्दी कर दिया ना उसने कन्वर्ट, तो इसमें दिमाग लगाना था। तो अच्छा हमें पता लग गया जल्दी कर दिया, अच्छा जल्दी कर दिया तो क्या होगा भाई, एक्सेसिव पॉजिटिव हो गई डायोप्टर में लेंस, मतलब पावर ज्यादा हो गई ना उसकी। यस सर, तो ये इस तरीके से दिमाग लगना चाहिए, मतलब एक्चुअली ऐसा है, हर चीज क्लास में नहीं करा पाएंगे इसीलिए क्वेश्चंस दिए होते हैं सर। तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें गलत दे रखा, ठीक है ना, लेकिन ये तो गलत गया मेरा। क्या हुआ सर, मैंने ये ऑप्शन ही किया था लेकिन गलत दिखा रहा था। हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ना, तो यही ऑप्शन है, इसमें सही करवा रहा हूँ, इसमें मैंने लिख लिया है कोड नंबर। एक बार इधर वाला क्वेश्चन देख लो। हाँ पर एक सेकंड बेटा, देख रहा हूँ तेरा लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं वापस से नॉर्मल चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, 2628, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके अब एक सेकंड रुकना, मुझे अब करना है लेना पर्व का क्वेश्चन, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ओके, The beam of light are incident normally on water. पर वैसे तो आसान सवाल है, ऐसा कुछ खास है नहीं। सबको दिखाई दे रहा है वाला क्वेश्चन? यस सर। मेरा सर मेरे को कॉन्सेप्ट तो बज गया, आंसर नहीं आ रहा था। यस सर। ओके अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें क्या हो गया ये, अगर हम यहाँ देखें देखो तो यहाँ वेलोसिटीज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ तक तो सेम ही रहेगी दोनों की। yes, यहाँ तक जो टाइम मिलेगा, अब जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो ये वाला ही करना है। ठीक है, तो पहले तो एच आ जाएगा सबसे पहले चीज को। अब एक कर रहा है लाइट में ट्रेवल, तो सॉरी वाटर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो जो उसकी स्पीड होगी वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, वो 3/2 ही कम हो जाएगी, 3 times कम हो जाएगी। एक सेकेंड रुको, मैं जरा इसको कलर पता नहीं कौन सा लिया हुआ है, कलर चल ही नहीं रहा उसको, थिकनेस बढ़ाते हैं। तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो ना। हाँ मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा ऐसे ही चल जाए यार, नहीं हो पा रहा। एक सेकंड रुको, सभी को दिखाई दे रहा है अभी ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अच्छा ध्यान से देखना, तो हमें क्या पता है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन जो होता है वो वी वन अपॉन वी टू के बराबर होता है। वी वन हमारी सी वेलोसिटी हो गई है, तो वी टू जो हो जाएगा, अब यहाँ पे म्यू टू अपॉन म्यू वन हमारा कितना दे रखा है, 4/3, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई वी टू की वेलोसिटी। यस सर। यहाँ पे अच्छा वी वन की वेलोसिटी क्या होगी, तो वी वन की वेलोसिटी अगर हम देखें तो एक्चुअल में तो यहाँ तक तो सेम ही डिस्टेंस, सेम ही टाइम पे पहुंचेंगे। इसके अंदर वेलोसिटी कितनी है, वी वन पासिस थ्रू अ ग्लास हुज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 3/2, तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है कितना टाइम डिफरेंस चाहिए, तो भाई दोनों को हाइट तो एची टाइम एची करनी है, तो दोनों को अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस एच है दोनों का लेकिन स्पीड डिफरेंट है, एक की जो स्पीड है वो 3c/4 है, 3c/4 और जिसको हम 2 कह सकते हैं t2, और t1 क्या हो जाएगा डी इंटू 3 2d/2c, क्या सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। यस, वेलोसिटी रख दी, टाइम रख दिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, डिफरेंस निकालना है दोनों टाइम का, तो दोनों को माइनस कर दिया। अब मुझे पता है एक तो 1.5 है, एक 1.3 है, तो ये वाला बड़ा होगा, तो 3d/2 सॉरी डी एच 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 सॉरी एच सो 3h/c माइनस 4h/3c, एच बाई सी कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 है तो 6 आ गया, 3 2 6 तो 3 3 9 नहीं सर, बीच में सर मैंने गलती करी थी सर, कोई समझ आ गया सर, मैंने करा तो ऐसे ही था, मैंने शायद 3/2 लिख दिया था V1 को। कोई नहीं, ओके, अच्छा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये तो लाइट वाला डीपीपी थी, अब हमें चाहिए, अब हम चाहना चाहते हैं इसमें मैग्नेटिक शुरू करोगे आप, मतलब मैग्नेटिक? हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ सर, एस्टिगमेटिज्म समझा दो। क्या सर? अच्छा एस्टिगमेटिज्म समझा दो, ये कह रहे हो? यस सर, ऑप्शन में। यस सर। अच्छा ऑप्टिकल फाइबर बेटा, जो जिसके अंदर आपका जो लाइट ट्रांसफर होती है, जो इंटरनेट की केबल्स होती है, जो अगर आपने लैन कनेक्शन लगा रखा हो, वायर्ड कनेक्शन लगा रखा हो, तो जो वायर्स आपके यहाँ आती है वो सब ऑप्टिकल वायर्स होती है। बाहर में क्लैडिंग कर रखी होती है और अंदर में कोर होता है। हाँ अंदर में कोर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छी होती है, मतलब ये होता है तो ऑप्टिकल वायर से। हाँ बेटा बोले सर, पर ऑप्टिकल फाइबर में तो मतलब लाइट ट्रेवल करती है सर, वाईफाई में तो सर कुछ और ही होता है। वाईफाई की मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो वायर्ड नेटवर्क बोला, मैंने वाईफाई बोला ही नहीं, वायर्ड नेटवर्क बोला था मैंने, तो मैंने कुछ और समझ गया। कोई बात। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, लास्ट क्लास में अब हम क्या क्या पढ़ चुके थे, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी, अरे यार ये लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और हमने ये पढ़ा था कि कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक कंपास का, और फिर लास्ट में आपने बायो सेवर्ट्स लॉ का इन्फिनिटी वायर का केस कराया था, उसकी डेरिवेशन कराई थी। राइट थंब रूल, राइट एंड थंब रूल भी करा लिया था, और स्नो रूल भी हमने कर लिया था, राइट? और सर आपने बताया था कि फिजिक्स की आज क्लास भी है। बहुत बढ़िया, वो जो तूने सुनी नहीं थी ना, वही वाली ना, ठीक है, ओके। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको कुछ अजीब सा कराने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना सर। टेरी, हाँ बेटा बोले सर, एस्टिगमेटिज्म बता दो। एस्टिगमेटिज्म, अरे यार एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, मुझे तो खुद ही नहीं आता। एस्टिगमेटिज्म कौन सा वाला है, ये वाला जिसमें, तो मुझे याद नहीं रहता आजकल। सर उसमें कॉर्निया कहते हैं कि मतलब पूरा ओवल नहीं होता, वो राउंड फुटबॉल शेप्ड हो जाता है। फुटबॉल शेप्ड हो जाता है जिसके अंदर, अच्छा बेटा उसमें होता क्या है कि कॉर्निया की एक्चुअली जो आपकी कॉर्निया की जो नॉर्मल शेप होती है, कॉर्निया सिर्फ एक हमारा लगभग सर्कुलर होता है, पूरे आंखों पे होता है, ठीक है, तो उसकी जो शेप होती है वो एक्चुअली चेंज हो जाती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो इनके मतलब पर्टिकुलर मैं कहूँ सेक्शंस होते हैं, लेंस जो इनके, कल वर्ड भी यूज आया था, अभी मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, इनके जो स्केलिंग होती है वो एक साथ नहीं हो पाती, जिसे हम कहते हैं
तो जिसकी वजह से मैं दिखने कम होता है। या मैं काम करूंगा, एक बार मैं थोड़ा एस्टिग्मेटिज्म के ऊपर ढंग से पढ़ के आऊंगा, मैं तो ढंग से बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? अभी जाने दो, मैं अगले लेक्चर में एस्टिग्मेटिज्म भी लिख लेता हूँ, अगले लेक्चर में आते कल ये वाली चीजें बता दूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास ऑल दिस टॉपिक। यस सर। ओके सर। अगला लेक्चर भी कल ही करवा दो। अगले लेक्चर में क्या? नहीं बेटा कल नहीं कराऊंगा, कल बिल्कुल नहीं कराऊंगा, तो कल भी नहीं कुछ बता पाऊंगा, मैं नहीं करा पाया था, किसी और को कुछ काम था, इस वजह से नहीं हो पाया, लेट इट बी। अच्छा ध्यान से देखना, हम क्या कहते हैं कि अगर एक फाइनाइट वायर है, मतलब फाइनाइट मतलब इसकी लेंथ हमें पता है, और अगर इस फाइनाइट लेंथ से आर डिस्टेंस दूर, तो ये डिस्टेंस हमारा आर दूर है, ठीक है? तो मैं इसमें कलर कुछ और कर लेता हूँ लाइक दिस, तो ये हमारा आर डिस्टेंस दूर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमारी आर डिस्टेंस दूर, हमने एक पॉइंट लिया, इस आर डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा इस करंट की वजह से, ये एक्चुअली निकाला जाता है बायट सेवरेट लॉ से, ओके? लेकिन ये लॉ बेटा इसमें टी साइलेंट होता है ना बायो का? अरे पता नहीं बेटा, मुझे इतना आता ही नहीं, मैं तो बस अभी मैं तो जितना छोटा छोटा तुम्हें आता हूँ वो बता रहा हूँ, अभी तो पता नहीं मुझे, बायट बायट ही कहते हैं, लेकिन बायट ही कहते हैं, बायट सेवरेट लॉ। ओके सर, टी साइलेंट होते हैं, पता नहीं था बेटा मुझे, आई एम नॉट श्योर। ओके अच्छा ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर अब करंट आई है, ठीक है, ये आर है, तो हम क्या कहते हैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू में साइन थ्रीटा वन प्लस साइन थ्रीटा टू, ठीक है? पहली चीज तो ये, तो इसमें जो करंट ट्रेवल होगा वो आई होगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इवन यहाँ पे होता है आर, ये आर रहेगा, और ये जो आर होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद ये जो थ्रीटा वन है या थ्रीटा टू है, कोई भी एक एंगल ले लो, थ्रीटा टू को ऐसे मान लेते हैं, इसको आप मान लो थ्रीटा टू एंगल और इसको मान लो थ्रीटा वन एंगल, तो जो थ्रीटा टू एंगल होगा उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए इस परपेंडिकुलर लाइन से वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो अगर वो क्लॉकवाइज होगी तो आप उसे पॉजिटिव ले सकते हैं। सिमिलरली थ्रीटा वन जो है वो इस वाली लाइन से नीचे की तरफ कैलकुलेट किया जाता है, तो थ्रीटा वन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि अगर इसका ऑपोजिट होगा, मेरी सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। इसका ओके ओके आई अंडरस्टूड आई अंडरस्टूड नो सर इसको इसका कोई कुछ कह रहा है सर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई सर आपने बेटा वो कल लिखवाया था, आज मैंने 4 पे लिखवाया, ये अलग फॉर्मूला है, वो अलग फॉर्मूला। ओके सर। अच्छा तो अब मैंने क्या कहा, ये जो थ्रीटा टू है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होगा तो ये पॉजिटिव लेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मेजर करना पड़ेगा तो मुझे उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे लेना पड़ेगा तो मुझे उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? लेकिन ये फाइनाइट वायर है, ट्रायंगल बनाया वो अपने हिसाब से बनाया है क्या? ट्रायंगल हमने अपने हिसाब से नहीं कह सकता तू, हमने तो ये वायर बनाई है और वायर से एक डिस्टेंस लिया है। अच्छा सर, सही है, सही है। ओके अब अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करें, ध्यान से सुनिएगा, इस वायर को अगर मैं इनफाइनाइट वायर बना दूं, इनफाइनाइट वायर मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, तो इनफाइनाइट वायर का मतलब कि एंडलेसली लंबी जाती चली जा रही है, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, मतलब वो पता ही नहीं कहां तक जा रही है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लेते हैं जो आर डिस्टेंस दूर होगा उसके, ठीक है, ये आर डिस्टेंस दूर होगा, ये वाला पार्ट ये आर डिस्टेंस दूर है, लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर आप ये इन्फिनिटी बना रहे हो तो एक्चुअली ये जो एंगल होगा वो भी सीधा जाएगा, तो इस इन्फिनिटी के केस में क्या होता है, थ्रीटा वन, देखो यहां से अगर मैं ये देखूं, थ्रीटा टू जो है वो 90 डिग्री होगा प्लस में,
सिमिलरली थ्रीटा वन इसी तरीके से नीचे की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो वो भी प्लस का 90 डिग्री होगा. क्या सबको ये चीज समझ में आई है दोनों एंगल्स? यस सर. तो जब ये करोगे तो एक्चुअली आपको यहाँ पे थ्रीटा वन थ्रीटा टू के अंदर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इनटू में साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री. तो साइन 90 साइन 90 वन वन होता है, वन प्लस वन टू होता है. टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr होता है. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. और ये मैंने शायद आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था. यस सर. तो कल जो फॉर्मूला मैंने स्ट्रेट वायर के लिए आपको याद करवाया था वो कुछ कुछ इस तरीके से डिराइव होता है. वैसे तो इसकी भी अपनी अलग डेरिवेशन है लेकिन वो आप लोगों की मतलब की अभी है नहीं, आपका लेवल नहीं है वो अलग चीज समझने का अभी, तो इसीलिए मैं वो चीज अभी नहीं करा रहा हूँ. ठीक है. यस सर. उसमें इंटीग्रेशन लगता है. हाँ इंटीग्रेशन लगता है. ठीक है. तो इसीलिए अभी वो चीज नहीं करा रहा हूँ. मोटी मोटी आपको ये बेसिक करा दिया. फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए प्लस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज की क्या वैल्यू है. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि म्यू नॉट जो वैल्यू होती है उसकी होती है 4π × 10⁻⁷. इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए जो हमने कल बात करी थी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ठीक है. और तो आर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया. ये कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर के साथ. सो आर जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर. आई तो आपको पता ही है, आई जो है वो करंट फ्लोइंग थ्रू वायर होगा. करंट फ्लोइंग थ्रू वायर. और अगर इसकी आपको डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं. तो आप इस करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे इसके आसपास, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी. तो सर उसको क्रॉस. हाँ बेटा क्रॉस. अभी मैंने बताया नहीं था ना तो इसके. अच्छा सभी को एक चीज और बता रहा हूँ इस वाली क्लास के लिए ध्यान रखना कि अगर हम देते हैं यहाँ पे ये क्या, इसको हम वेस्ट कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं. लेकिन अब अंदर बनाने के लिए क्या करें? तो कल एक तो मैंने आपको बताया था कि टेढ़ा बना दो 45 डिग्री पे. नहीं तो दूसरा हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली क्रॉस कर देते हैं उस पॉइंट को. तो क्रॉस का मतलब होता है अंदर वाली डायरेक्शन और डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ. क्या सबको ये चीज समझ में आती है? अरे आपने रे ऑप्टिक्स में भी बताया था. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये देखो क्रॉस अब यहाँ पे हुआ है तो इसका मतलब पेज के अंदर की तरफ. जैसे अभी आप हमें इसका कंप्यूटर पे अगर स्क्रीन देख रहे होंगे तो कंप्यूटर के अंदर, अगर फोन में देख रहे हैं तो फोन के अंदर की तरफ. इट्स लाइक दिस. तो सबको डायरेक्शन भी समझ में आ गई होगी. आयो सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ बेटा बोले. सर जो आपने सेकंड डायग्राम में बनाया सर, ये एरोस क्या दिखाते हैं? ये वाले एरो बेटा, ये वाला ये एरो दिखा रहा है कि एक्चुअली जो इसका परपेंड, ये वाला जो एंगल है ये मेजर करने के लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे. और उस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. तो ये 90 डिग्री बता रहा है. तो सर फिर ये मतलब मैं एरो को अगर नीचे वाले की तरह डाउन कर दूं तो कोई मतलब इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? कैसे मतलब डाउन करेगा सर? मतलब एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो जाएं? नहीं बेटा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज क्यों होंगे? जो मैंने बोल दिया कि जो एंगल मेजर करोगे वो सेंटर से ही लेना है और वहीं से एक ऊपर मेजर करोगे, एक नीचे से मेजर करोगे. ये तो बोला है मैंने. यस सर. सर इसी तरह से बोलो सर. मैं कह रहा था कि इसी लॉ से जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डिराइव हुआ है. मैग्नेटिक, हाँ, जो B is equal to mu not I upon 2πr, तो हमने ये पढ़ा था ना, ये इसी से करा है. यस सर. तो ये डेरिवेशन है सर. हाँ ये डेरिवेशन है, ये भी आधी डेरिवेशन है. इसके भी पीछे एक और बैकग्राउंड है लेकिन वो अभी तुम्हारा लेवल नहीं है उस चीज को समझने का, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा. यस सर. ओके सर. अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? यस सर. सर एक नोट करना. यस सर. कर लो बेटा नोट कर. यस सर. नोट सर. Am I audible? हाँ बेटा बिल्कुल आवाज आ रही है, loud and clear. अभी नहीं आ रही है. नहीं सर वो मैं चेक कर रहा था कि मेरे को अभी मैंने माइक ऑन किया ना तो मेरे को तीनों डॉट्स जो है वो सीधे सीधे दिख रहे थे, मैं डर गया. अच्छा. कोई Thank you.
यस सर आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया? यस सर। वैसे मेरे को एक चीज पूछनी थी कि अगर हम कोई वायर को इंसुलेटेड ले तो सर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कम होगा नॉन इंसुलेटेड से? यस सर कम हो जाएगा। हाँ बेटा कम होता है, वो इंसुलेशन से ले लिया जाता है। सर मोटा तो होगा ना? हाँ बेटा थोड़ा बहुत तो होगा ही, बाकी कम होता है बहुत ज्यादा। सर हमारे आसपास सर इतने ज्यादा मैकी करंट जैसे जा रहे हैं, तो मैकी हमें उससे कुछ फर्क नहीं होता। क्या जा रहे हैं? जैसे यहाँ पर चार्जर कनेक्ट है वो मैकी वहाँ पर करंट मूव कर रहा है हमारे आसपास, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता? नहीं बेटा इतना इफेक्ट नहीं, अगर इतना होता तो बात ही क्या। तो वैसे कंपास रख ले तो डिफ्लेक्शन तो कोई शो होती नहीं है। खराब हो गया कंपास, उसके बाद सर उसे यूज क्यों नहीं कर पाते? एग्जैक्टली तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे खराब हो गया समझ में आया कि चाचा जी का खराब, बस ये तो समझ में नहीं आया। तो मतलब जैसे एक बार भी कंपास हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर दिया तो सर बोला जाता है कि उसे दोबारा यूज नहीं कर पाते, वो सही डायरेक्शन नहीं बताता। अच्छा ऐसा भी होता है, ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता। ओके सर ये मैंने सुना था। अच्छा ये भी आपने सुना है? ओके अच्छा ध्यान से देखें, कभी कभार क्या होता है इसलिए सुना होता है कि कोई करवाए ना, बाकी पता नहीं। अच्छा ध्यान से देखें, एक होती है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के अंदर क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट मतलब होती है कि वो भाई इस पॉइंट पे तो वो जीरो है और दूसरे पॉइंट पे वो मतलब 90 डिग्री है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, थीटा टू तो आपका 90 डिग्री रहेगा लेकिन थीटा वन आपका जीरो हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ वायर बिल्कुल नहीं गई है, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नाउ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा डायरेक्टली म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आई थिंक सभी को क्लियर रहेगा। सर ये आर डिस्टेंस हम वायर के बीच में नहीं हो सके जो हमने कोने में ले आई है? क्या बोला बेटा? सर हमने ये जो r डिस्टेंस है वो हमने ये कोने में लिया, इसको हम कहीं वायर के बीच में नहीं ले सकते? बेटा बीच में लेता तो इनफाइनाइट वायर है ना ऊपर की तरफ, बीच में तो फिर वो दोनों तरफ इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि इनफिनिटी का तो कोई अंत ही नहीं होता, वो जानबूझ के लिया है इसलिए। ओके सर क्या सभी को क्लियर है ये? सही समझ लिया सर, क्लियर सर, क्लियर समझ नहीं आया पर नहीं आया मुझे क्या दिक्कत आ रही है। ये सेमी इनफाइनाइट वाली वायर का एक और बात। हाँ मैं समझ गया लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस पॉइंट के बाद जो पूरी वायर है वो इनफाइनाइट है और मैं इसके कोने पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं थीटा टू की एंगल निकालने लगूं क्योंकि ये कभी मीट नहीं होगा, ये वाली चीज तो यहाँ मीट होगी नहीं, इन्फिनिटी है तो ये ऊपर चलता चला जाएगा, तो इस हिसाब से ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और जब ये 90 डिग्री होगा तो एक डायरेक्शन का तो 90 आ गया लेकिन दूसरे डायरेक्शन में वायर है ही नहीं, जब वायर है ही नहीं तो वही थीटा जीरो होगा, तो दोनों एंगल एक 90 हो गया एक जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे डाल दो एक 90 होगा एक जीरो होगा, साइन 90 वन होता है साइन जीरो जीरो होता है, तो डायरेक्टली मैंने म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई आर लिख दिया। एक स्टेप मिस करता हूँ सब फैल जाते हैं मुझे, कोई बात नहीं चलो ध्यान रखूंगा, तुम लोग बच्चे ही तो। ये ले बेटा थोड़ा लिख देता हूँ सर, एक सेकंड बस वो लिख लूँ मैं थोड़ा। कोई बात नहीं आराम से लिखो बेटा आराम से लिखो, इज ओके बच्चे ही तो। मैं भी सर म्यू दे दो, ज्यादा गुस्सा करने लग गया पर सर क्या आजकल मैं ज्यादा गुस्सा करने लग गया हूं ना सर पे, मुझे ऐसा महसूस होता है। नहीं नहीं हां क्या कह रहा था जादव सर, ऊपर नीचे दो दो म्यू क्यों लिखे हुए हैं? हां लिखा मैंने ऊपर नीचे म्यू सर बी इज इक्वल, अरे पाई है यार ये पाई है, भावनाओं को समझो यार कैसी बातें कर रहे हो।
क्या सभी को क्लियर है? यस सर डब यस सर यस यस सर ओके ओके कॉपिंग दिस ओके ध्यान से देखिएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ वायर एक लेंथ ले लेता हूँ पर्टिकुलर, ये भी ले लेता हूँ. ध्यान से देखिएगा, मैं कहता हूँ भाई ये वाला जो टोटल लेंथ है ये 2 मीटर की है, 2 मीटर. ये वाली जो लेंथ हम डिस्टेंस ले रहे हैं 1 मीटर है, तो 1 मीटर अवे ले रहे हैं हम, ठीक है. ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, और करंट अच्छा फ्लो कर रहा है, आई ही कर रहा है, मैं कुछ और ले ही नहीं रहा, ये आई कर रहा है, ठीक है. इसको भी 1 नहीं लेते, इसको आर ही ले लेते हैं, और ये हमारा 2R हो जाता है, ठीक है. थोड़ा और अच्छा सा लेते हैं, तो ये आर हो गया, ये 2R हो गया, ये बिल्कुल सेंटर पे है. सेंटर पे है तो आप अपने हिसाब से देखो कौन सा एंगल क्या होगा, कौन कितना हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखो कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले को लगा के. सर हाँ बेटा बोले. सर ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये बार बार लिखनी है मैं? अरे नहीं यार, ये तो मैं लिख रहा हूँ अपने अपने कन्वीनियंस के लिए, तुझे कुछ नहीं लिखना, एक ही बार लिख ले बस. वो तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला में बार बार लिखने का मन नहीं है मेरा, इसलिए मैं एक्चुअली एक बार कॉपी करके इधर उधर लिख रहा हूँ. हाँ बेटा बोले. सर म्यू नॉट आई 4πr इनटू रूट 2 आ रहा है मेरा. 4πr या 4 डिवाइडेड बाय पाई, कुछ ऐसा कुछ नहीं आ रहा. 4πr तो नीचे ही है ना, म्यू नॉट आई 4πr तो नीचे ही है ना. जैसे 4πr नीचे ही है और बाकी रूट 2 आ रहा है वो साइन 5 साइन 5 वाले ब्रैकेट में. सर रूट 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन आर आ रहा है. सर म्यू नॉट की वैल्यू नहीं डाली मैंने, डालनी है. नहीं म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी, मैंने आर आर ले तो लिया उसे. सर मैं कह रहा हूँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr इनटू रूट 2 आंसर आ रहा है. ठीक है यही आना चाहिए, इनटू रूट 2 नहीं, इनटू रूट, हाँ इनटू रूट 2 आएगा ना. ठीक है सर, मैंने बस म्यू नॉट की वैल्यू डाल दी है. यस सर ठीक है, डायरेक्शन इनसाइड आ रहा है. ठीक है ना, डायरेक्शन तो इनसाइड ही आएगा, मैं डायरेक्शन चेंज ही ना कर रहा हूँ यार, डायरेक्शन तो इनसाइड ही आना. ओके क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर. सभी का हो गया ये वाला पार्ट यहाँ तक? यस सर. क्या बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इनटू रूट 2, रूट 2 अगर निकाल के दिखाना हो तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr मैंने कॉमन रखा है. अब ये वाला एंगल एक्चुअली देखो ये 2r है और ये r है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला मतलब ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा. r r दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, 45 हो जाएगा और ये भी 45 होगा. बस यही आंसर निकालना, तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 degrees, that's the answer. Yes, sir. Clear सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, अब क्या होता है? आपकी लगभग I think straight wire के अंदर इतना ही होता है, इस तरह कुछ होता नहीं. अब हम काम करते हैं, हम निकालते हैं magnetic effect due to circular wire. ध्यान से सुनिएगा आप सब. तो magnetic, अब इसके अंदर बाकी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं. एक और ध्यान रखना, अगर हमारी ये वायर है ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो क्या सबको समझ में आता है इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा? यस सर. तो एक्चुअली इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी इस पॉइंट पे, तो हेंस इट इज बिकॉज इट इज लाइंग अलोंग द लाइन. तो कभी ऐसा कुछ आ जाए जो अलोंग द लाइन हो तो उसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, जीरो होती है. ठीक है चलो अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं. हम क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक, बोल बेटा क्या कह रहा था? मतलब वो वायर के बाहर है ना? वायर के बाहर नहीं है बेटा, एक्सिस पे है. बाहर तो ये भी था, ये भी तो वायर के बाहर ही है. इस पॉइंट पे भी होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस पे नहीं होगी. अच्छा ये भी तो करा देता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम लोग ऐसे ये लो, एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुकना. यही क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल ये आपको दे रखा है एंगल, ये लेट्स से ये वाला एंगल आपको दे रखा है लेट्स से 37 ओके, और दूसरा वाला जो आपको एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है लेट्स से 53
ठीक है, और जो ये वाली साइड है आपकी, ये मान लो आपको 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, और जो करंट है वो आई दे रखा है। चलो निकाल के बताना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सर 5 नीचे वाली ऊपर वाली, नीचे वाली बेटा, सर ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आ सकते सीबीएसई में। तो आप ऐसा लगा लो, आपको b is equal to mu not i upon 2 pi r भी शायद नहीं बता रखा। नहीं सर कुछ नहीं बता रखा है, तो फॉर्मूला है ही नहीं एक भी चैप्टर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसमें तो ये फॉर्मूला तक नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं है। सर म्यू नॉट आई इनटू डिवाइडेड बाय पाई आर इनटू 5, पता नहीं देखते हैं। सर हाँ बेटा, सर म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन में 5 पाई, यस सर आर भी आ सर मेरा बस 5 पाई। चलो देखते हैं सभी को क्या दिखाई दे रहा है। ये 5 मीटर है, ये हमारी अगर वायर को एक्सटेंड कर दूं इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर, यस सर। तो अगर ये 5 है तो सबको ये 37 डिग्री है, सबको ये चीज समझ में आती है कि 4 होगा? यस सर, यस सर। तो आपका आर जो हो गया वो 4 हो गया। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला आपका क्या था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर into sin theta 1 plus sin theta 2। तो हम क्या कह रहे हैं, म्यू नॉट तो हमें पता ही है, आई हमने आई रखा हुआ है, 4 पाई into r, r की जगह हमारा 4 आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, इसके बाद क्या है? sin theta 1। अब sin theta 1 मैं क्या लेता था, इस वाले एक्सिस से नीचे वाला पार्ट लेता था अगर सबको याद हो, लेकिन ये इस वाले एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट है, तो इसका मतलब ये माइनस में होगा, तो हेंस साइन माइनस 37 डिग्री और प्लस साइन 53 डिग्री। क्या सबको क्लियर है? यस सर, यस। तो माइनस 37 जो होता है, माइनस 37 जो होता है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस साइन 37, माइनस साइन 37, तो माइनस बाहर आ जाता है एंगल का। ओके, माइनस 37 डिग्री प्लस साइन 53 डिग्री। नाउ माइनस साइन 37 वुड बी इक्वल टू माइनस 3/5, साइन 50 मींस 5/5 इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू 4, 4 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, हेंस म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन वन, यहाँ पे एलसीएम लेके आ गया, तो ये खत्म, 16, 80, 85 ये आएगा। क्या समझ में आया किसी को? सर आपने माइनस के लिया माइनस 37 बेटा, माइनस 30 साइन 37 साइन माइनस थ्रीटा को एक्चुअली माइनस साइन थ्रीटा लिखते हैं। नो सर, फिर आपने माइनस ही क्यों लिया? तो कौन सा माइनस? ये वाला माइनस कह रहा है ना? माइनस 37 डिग्री। मैं माइनस 37 क्यों लिया? अच्छा, माइनस 37 ही क्यों लिया? आपको याद है मैंने इसमें एक एंगल तो देखो क्लॉकवाइज है, दोनों एक्चुअली क्लॉकवाइज है, जबकि मैंने क्या कहा था, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा
सर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर से मेजर करते हैं क्या बेटा? क्लॉकवाइज हाँ भाई हाँ, यही तो मैं समझा रहा था ऊपर। अरे क्या सभी को समझ में आया है? मैं खेल गया या फिर? ओके, तो ये आपका बेसिक है। अच्छा इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं यार, तुम ऐसे तुम भी क्या याद रखोगे? लो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ये लो बताओ मुझे ये हमारे पास ये पॉइंट है दैट इज एक्चुअली आर डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो आर डिस्टेंस अवे। ओके राइट, इक्वल हो गया ना यार? ठीक है, इस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? इन दोनों वायर्स की वजह से करंट हमारा ऐसे, और डायरेक्शन भी बता देना, करंट आइए। सर म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर आएगा, पता नहीं बेटा, मैंने अभी मतलब देखा तो हुआ है इसका, लेकिन अभी मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा, अभी ऐसे ही ध्यान आ गया तो मैंने लिख दिया, निकालना पड़ेगा। सर आपने एंगल बताया नहीं वो वाला जो एंड से आएगा पॉइंट का, अपने आप निकालो। जो डिटेल दे रखी है उसमें है अपने आप। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सर 2 मिनट बस आंसर निकाल रहा हूं। सर हां बेटा, सर √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखते हैं बेटा, देख लेते हैं काम को। सर 2 मिनट रुक जाओ, आंसर निकाल रहा हूं, ऐड करना है। सर आ गया आंसर, बताऊं? एक मिनट रुक जाओ, मैं निकाल रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन इनसाइड है। आपका ये आया क्या? यस सर, मेरा यही आया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो बी नेट जो आ जाएगा आपका बी प्लस बी, तो डायरेक्टली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो आप लोग। साइन 91 होता है, साइन 45 अंदर √2 होता है, ये आपका आंसर होता है। इसको आप 2 लिख सकते हो, जस्ट फॉर सिंपलीफिकेशन। यस सर, यही आंसर आया। सभी का सही है ये? यस सर। अरे तेरा रुक तो जा भाई, बाकी हाँ भाई, बाकी बच्चे ऐश्वर्या आपने आंसर बता रहे थे कुछ? ऐश्वर्या है क्लास में अभी? सौम्या तेरा आया क्या ये वाला क्वेश्चन? सर नहीं आया सर, समझ अभी सर एक्चुअली आज नहीं सर। तो बे ठीक नहीं तेरी? नहीं सर ठीक है, बट थोड़ा सर आज वैसी। ओके कोई नहीं, चलो ध्यान रखो।
ओके, मैं क्या कह रहा था, ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट हमने लिया है, तो अगर मैं यहाँ से इनफाइनाइट वायर है, देखो ये वाली, ठीक है, दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो अगर मैंने ये आर लिया तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी आर हो जाएगा और ये वाला भी आर हो जाएगा, तो ये देखते हैं, ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो अगर एक मैं डिस्टेंस ये वाला लाइन का लूं तो क्या ये समझ में आता है, 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक ये 90 डिग्री वाला लाइन हो गई, एक ये 45 हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। सिमिलरली इसको लिया, ये भी 45 है, ये भी 90 है, तो ये लिख दिया, दोनों का एंगल मैंने इस हिसाब से डाला है। दूसरा आप देखोगे कि दोनों के दोनों एक्चुअली है अंदर की तरफ, आप जब यहाँ पे अंगूठा रखोगे तो भी अंदर की तरफ जाएगा और दूसरा रखोगे तो भी अंदर की तरफ, तो एक्चुअली दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। क्या सबको समझ में आया है? यस सर, अब आ गया। यस सर। हाँ बेटा सर, जो आपने लास्ट पॉइंट बोला कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, सर ये बता दो एक बार फिर से। अच्छा एक काम करो, मैं ना आप लोगों को एक और चीज समझा देता हूँ, सभी ना मेरी बुरी सी शक्ल देख लेना, वैसे बहुत बुरी हो रही है आजकल, एक सेकंड। आपने कैमरा कनेक्ट कर रखा है क्या? हाँ बेटा कनेक्ट कर रखा है, सभी देखना मेरी शक्ल को अच्छी। यस सर। ध्यान से देखें सभी, ये अगर मेरी वायर है फॉर एग्जांपल ये पेन के साथ, ठीक है, तो मैंने आप लोग को सभी देख पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके ठीक है, देखो ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड से मैं क्या कहता हूँ कि मेरा अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा, मतलब सॉरी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैं उसको उस डायरेक्शन में हाथ अंगूठा रखना है और मुझे अपनी उंगलियां जो है उस पेन के आसपास कर्ल करनी है, तो कर्ल करनी है तो भाई इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आपको है वो मिल जाती है, सभी को आई थिंक ये तो चीज समझ में आती है। यस सर। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई इसका एक और आसान तरीका है जिसको हम राइट हैंड पाम रूल कहते हैं, तो उसमें करना क्या होता है, अंगूठे को रखो करंट जिस डायरेक्शन में करंट है और अपनी हथेली खोल दो, ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जैसे ये पेन है और मुझे इसके राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इन उंगलियों को मुझे उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या किया, ये अंगूठा लिया, ये मैंने ऐसे खोल दिया, तो सभी को दिख रहा है, अगर मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ, एक सेकंड को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसा किसी ने मैसेज किया, क्या किया ये बेटा, अरे राइट हैंड क्या बोला है, अरे राइट हैंड मैक्सवेल कॉल्स टू डिफरेंट है सर, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा उसमें लिखा है सेम है, पर जब सर मैंने दूसरी बुक पढ़ी उसमें लिखा अलग है सर, थोड़ा सा अलग है, अलग अलग है, एक मिनट रुक जाओगे थोड़ा, ये स्क्रू रूल अलग होता है, ये अलग होता है, राइट हैंड थंब रूल है ना, ये सेम होता है, मैक्सवेल स्क्रू और दोनों सेम है, ये सेम ही होते हैं, एक ही बात, एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के अलग तरीके होते हैं, क्योंकि अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, अभी मैं किसी और चीज बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिए। यस सर। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अगर हमारे पास पेन है, मुझे इसके राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस अंगूठे को अपने पेन के साथ रखूंगा, ठीक है, और इस हथेली को जिस डायरेक्शन में करंट निकालना है उस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपके पाम, ये वाली जो पाम की डायरेक्शन है, पाम किस तरफ होगा, जैसे अगर अभी मैं कर पा रहा हूँ तो आप ये जो पाम है स्क्रीन की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर आप लोग भी करेंगे अपने पीसी के सामने तो उस पीसी के अंदर जाएगा, तो इसका मतलब क्या, अंदर की तरफ जा रहा है, क्या सबको समझ में आती है वाली चीज? यस सर। यस सर। बात होगी, अगर आप देखो अब बिल्कुल इसको रोटेट करते चले जाओ तो अपने आप वो 90 डिग्री चेंज कर लेगा, जैसे ये पेन है इसके सामने क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, भाई सामने मैंने उंगलियां करी और डायरेक्शन किस तरफ है आपकी, लेफ्ट की तरफ, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी, इसी तरीके से अगर इस तरह से कर ली भाई तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, क्या सबको डायरेक्शन समझ में आ गई ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, इसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, जनरली हम इस तरीके से भी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, आसान होती है तो बच्चे जनरली इसे प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है, चलो वापस स्क्रीन पे आ जाओ नॉर्मल वाली पे, कहाँ गया? Yes, sir. Okay. Right. तो अभी मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया है
और पाम रूल में क्या है, हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे, वापस मैं बस इसमें समझा रहा हूँ कि ये अगर हमारा मतलब करंट की वायर है, करंट कैरिंग वायर है, अंगूठे की डायरेक्शन इस वायर के साथ रखनी है, अपने हाथों को खोल लेना है इस तरीके से, जिस डायरेक्शन में भी आपको करंट निकालना है, जैसे इस वक्त राइट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपने हथेली को यहाँ रख लिया। अब यहाँ पे जो आपका पाम होगा, क्योंकि ये आपके नखून है, यहाँ पे ये नखून है आपके, ठीक है, तो ये नखून है, तो आपका दूसरी तरफ ही होगा हथेली, जो पाम होगा तो वो अंदर की तरफ होगा, तो हैंस वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर, यस सर, ओके, यस सर, राइट। अच्छा, ये डायरेक्शन वाली चीज है। अब तो आप ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप डायरेक्शन लगा के देखो तो आप देखो, आप देखोगे कि दोनों के अंदर की तरफ होंगे। देखो लगा के सारे, ऐसा लगा के देखा अंदर की तरफ। यस सर। अरे एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर पाम अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए बेटा। हथेली जो पाम होता है वो अंदर, मतलब जहां भी हो हमें क्या करना है, लेकिन पाम जिस डायरेक्शन में होगा वो होगा डायरेक्शन, वो कहीं भी हो सकती है। जैसे इस वाले केस में अंदर की तरफ होगी पाम। ये नखून बनाए मैंने, उससे समझ जाओ। एक बार फिर से बता दो, ये कह रहे हो? यस सर, कंफ्यूज। यस सर, यही वाला पार्ट बता दो बस। मैंने क्या कहा, देखो आप अपने पेन को सामने पकड़ो, हाँ, हाथ को इस तरीके से खोलो कि ये जो अंगूठा है और हथेली ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है? यस सर। अब जब आप इसको पॉइंट करोगे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी हाथ को बस उसके अंगूठे के साथ रख लो, तो जो आपके नखून से ऑपोजिट वाला को पाम कहते हैं, जो सॉफ्ट वाली स्किन होती है, जो व्हाइट, ज्यादा व्हाइट होती है, ठीक है। जो नेल्स वाली साइड होती है वो बैक साइड है हाथ की, बाकी जो जिससे भी चीजें पकड़ते हैं वो सब फ्रंट साइड से पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो पाम की जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या अभी समझ में आया है? यस सर, यस सर। नहीं, जिनको दिक्कत थी उनको समझ में आया है? यस सर, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप इसी की यही चीज यहाँ पे लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अंगूठा यहाँ आएगा और जो उंगलियां हैं वो ऐसे आएंगी पाम की, ये उंगलियां हो गई, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ आएगा। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो अंगूठा यहाँ आएगा और उंगलियां यहाँ आएंगी, ये वाली अंगूठे है, राइट, ये वाली। अरे भाई ये कौन मुस्कुरा रहा है? भैया कौन, मैं गाँव मत भैया, कोई बात नहीं, मैं बोर कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो ये अंदर की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी। कौन कह रहा था ये? सर अनन्या। ओके अन्य, तेरे से गवाऊंगा तो याद रखियो, रुक जा, पहले कुछ सेवस हो जाते हैं। सर वो वाला टॉपिक करवा दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट जो अभी आप करवा रहे थे। अभी रुक तो जाओ, पहले ये चीज समझ में आई है? अब तुम रुक जाओ, अब तो मैं ढंग से सवाल ही कराऊंगा। अरे क्या हो गए, सबको ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके अब ध्यान से सुनना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब एक और लो। सवाल ही कराते हैं तुम्हारी जान ना निकालने के लिए। ओके क्या कह रहा हूँ मैं, इसको बैठा, हम स्क्वायर बना रहे हैं, हम स्क्वायर है भाई, स्क्वायर बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये स्क्वायर है हमारा, ये मस्त वाला स्क्वायर, ये, और ये हमने एक मस्त वाली वायर ली, ये बहुत ही ज्यादा मस्त ले ली है, एक सेकेंड रुके। ओके तो मैंने क्या कहा, ये हमने वायर ली लाइक दिस, स्क्वायर नहीं बना लग रहा, ये सेंटर से मिल नहीं रहा है, प्लेटेड भी अगर हम इसको ऐसे कर लें, और फिर हम इसको ऐसे कर लें। सर ये क्या है? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, आज तो तुम सवाल ही कराएंगे। देखो करंट ऐसे है, ये आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट निकल रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर पार्ट है, ठीक है, हमें ऊपर से नहीं जाना करंट। क्या बेटा वो? हाँ बेटा, ऊपर से इधर उधर से सब जगह से जा रहा है। अब हमें क्या करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सेम वायर की मैग्नेटिक, सेम वायर से वो पूरा स्क्वायर बना हुआ है, इवन ये साइड भी स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड भी सेम है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर। तो आई करंट आ रहा है, आई करंट ही जा रहा है, ठीक है।
अब आप लोगों को बताना है कि क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इसके सेंटर में। सर वो नीचे वाले वायर से पास नहीं हो रहा क्या? क्या नीचे वाले वायर से करंट होगा बेटा? दोनों वायर से पास होगा, कौन मना कर रहा है? सर करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? बेटा वो तो दिमाग लगाओगे तुम। सर मैं कह रहा हूँ वो जो दो इन्फिनिटी वाले वायर हैं जो बहुत लंबे हैं, उनके बीच में जो एक एलिमेंट लगा हुआ है वो उस एलिमेंट से करंट क्या बेटा? वो सेंटर दिखा रखा है मैंने, दोनों सेंटर है वो। नहीं नहीं सर मैं कह रहा हूँ वो जो दो इन्फिनिटी वाले वायर हैं वो जो जहाँ पे जुड़ रहे हैं उसके बीच में जो एक पतली सी वायर है। बेटा वो पूरी वायर है, वो पूरा स्क्वायर बना दिया मैंने, बताया तो वो पूरा स्क्वायर है। ओके सर, ओके सर, सबसे करंट पास होगा बस ये है। बिल्कुल सबसे करंट पास होगा, बिल्कुल सही बात है, सबसे करंट पास। सर म्यू नॉट अपॉन आई इनटू रो म्यू नॉट आई अपॉन पाई इनटू रूट टू नॉट आई अपॉन पाई इनटू रूट टू नहीं गलत है बेटा। सर मैं जोड़ घटा कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। अरे कर आराम से करो। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू रूट टू ये थोड़ा लग रहा है लेकिन गलत है सर। हाँ बेटा सर 1 प्लस रूट टू ब्रैकेट इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट टू बड़े खतरनाक खतरनाक चीजें आ रही हैं बच्चों की। सर म्यू नॉट आई अपॉन सर म्यू नॉट आई इनटू रूट टू अपॉन 4 पाई आर जीरो आएगा जीरो। सर जीरो कैसे आएगा? तो तुम लोग देखो मुझे क्या पता, मैं तो क्वेश्चन मेरा मतलब सर क्योंकि वो उसके शायद से लाइन पे ही एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेट। नहीं नहीं सर एक ही एलिमेंट का तो आउटर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड सर, शायद डायरेक्शन की वजह से दो प्लस होंगे तो माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सर जब हम सबका वेक्टर सम करेंगे सर जीरो आएगा सर। बहुत बढ़िया ये निकल गया है या मैं आपको वैसे गोली दे रहा है? अच्छा सर ध्यान से देखें, ओके ध्यान से देखें सभी सबसे पहले। अच्छा ये करंट इधर कितना जाएगा बेटा? करंट इधर कितना जाना चाहिए? अब आई बाय टू कितना? आई बाय हाफ आई बाय टू बेटा सबका ही आया नहीं, जिसने अभी आंसर दिया उसको बताया मुझे। बेटा एक वेक्टर सम किसी ने बोला था, किसने बोला था वो वेक्टर सम आएगा तो? यस सर। हाँ नाम क्या आपका? सर तनिष्क। हाँ तनिष्क, तो ये आई कितना आएगा बेटा तनिष्क?
सर यहाँ पे आई बैठू सबसे पहले तो देखो आई जो है ये वाली अगर हम वायर देखते तो मैंने ये जानबूझ के बिल्कुल बनाया था तो इसको अलाइन लेके बनाया था। तो पहली चीज तो इससे क्या समझ में आती है कि जो ये इनफाइनाइट वायर है इनसे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है इस पॉइंट पे? यस सर। नो सर। दूसरी चीज क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये वायर है तो वायर की ना अपनी रेजिस्टेंस होती है। स्क्वायर मैंने बनाया था प्रॉपर, इसलिए इसकी वायर अगर आर है तो इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी और इसकी भी आर होगी। दिस मीन्स इसके अंदर करंट डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो इसकी जो ऊपर वाले की रेजिस्टेंस है वो है 3R और इसकी रेजिस्टेंस है R। तो इसका मतलब इसके अंदर करंट ज्यादा जाएगा, 3R में करंट कम जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई है या नहीं? तो सर यस बेटा इसको एक सर्किट मान के चलो, जो करंट इधर जाएगा वो सीरीज में इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर जो होंगे सीरीज में होंगे। ओके सर। और ये पैरेलल में होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर करंट यहाँ से आई आ रहा है तो मैंने आपको बताया अगर आपको ये वाला करंट निकालना है आई वन, तो आप इसको आर वन मान लो, इसको आर टू मान लो और आई वन जो होगा वो आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू इंटू में टोटल करंट होगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो R, ये हो जाएगा R प्लस 3R, तो R प्लस 3R इंटू में टोटल करंट। तो हेंस जो आपका I1 हो जाएगा वो हो जाएगा I बाय 4। और इसी हिसाब से अगर आप अपना I2 निकालोगे तो वो हो जाएगा 3I बाय 4। और वो कैसे निकलेगा? I बाय 4 आपने निकाल लिया, I में से माइनस कर दो तो 3I बाय 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो करंट आएगा वो आएगा 3I बाय 4 और यहाँ जो करंट आएगा वो आएगा I बाय 4। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया है? Yes sir. Yes sir. Yes. Yes. Okay. इसने I2 कैसे निकाला? कैसे निकाला मतलब? I2 बेटा I से I minus I से I बाय 4 माइनस कर दो कितना आएगा? I में से I बाय 4 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए बेटा? आया नहीं आया? अरे भाई कुछ बोल तो दो कोई। आ गया सर। आ गया सर। ओके। तो नहीं आया वाला। क्या नहीं आया बेटा मुझे बता। I1 समझ नहीं आया तुझे? सर आया था सर, कैसे निकाला था समझ में नहीं आया वाला। ये आपने मैंने आपको पैरेलल रेजिस्टर के अंदर करंट ब्रेक करना सिखाया था, वो याद है या नहीं? सर रिवाइज नहीं किया अभी। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ये तो फिर ये फॉर्मूला इसको ऐसे एज इट इज लिख ले, जब रिवाइज करेगा तो बात करिए मेरे से, ज्यादा अच्छा जवाब है मेरा। फिर रिवाइज तो मैंने आपको रेगुलरली कह रखा है करना चाहिए, और ये वाली जो याद ही होना चाहिए वाला, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया ना, ये एज इट इज ये वाला फॉर्मूला होता है। और उसके बाद I1 आपका I बाय 4 आएगा और टोटल करंट में से आप I बाय 4 माइनस करोगे तो 3I बाय 4 आएगा। तो इधर आपका 3I बाय 4 आ गया और इधर I बाय 4 आ गया। और मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं IIT या JEE या NEET के अंदर। दो चैप्टर मिक्स करेंगे, कभी भी एक चैप्टर से सवाल नहीं आता IIT JEE में, हमेशा दो तीन 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 चार चार चैप्टर को एक साथ मिक्स करके वो एक सवाल देते हैं। कृपया करके उसको PG में ना लें, दिमाग खोल के रखें। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा एक चैप्टर का तो अगले चैप्टर में यूज होगा। इसलिए अगर एक चैप्टर नहीं समझ में आया तो उस हिसाब से आप मान के चलो दो तीन चैप्टर खराब हो जाएंगे। जैसे काइनेमेटिक्स अगर आपको समझ में नहीं आई एग्जांपल के तौर पे, तो पता नहीं वो काइनेमेटिक्स पे कहाँ कहाँ यूज होगी, तो काइनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए इसीलिए, ताकि एटलीस्ट सब निपट जाए, फील आए आगे के लिए। ओके चलो ध्यान से देखें। तो I करंट था, 3I बाय 4 यहाँ डिवाइड हुआ, I बाय 4 यहाँ डिवाइड हुआ। तो अब ध्यान से देखें, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस वाले पीस की वजह से कहूँ, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो मैं ये कह सकता हूँ 45-45 होगा। और दूसरी चीज ये जो डिस्टेंस है ये R बाय 2 होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन, तो बी वन वन वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर, वेयर आर इज एक्चुअली आर बाय टू, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो इट वुड बी टू साइन 45 डिग्री। क्या तो समझ में आई है? Yes, now, यहाँ पे जो करंट भी है वो करंट आई नहीं है, तो इस करंट को भी हम आई बाय फोर लिख सकते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर रहेगा यहाँ तक। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll just keep it small. थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा हो गया बी वन, ठीक है। अगर मैं बी टू की बात करूँ तो भी सेम होगा, बी थ्री की बात करूँ तो भी सेम होगा, तो तीनों सेम होंगे। प्लस अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे भी अंदर की तरफ होगी, और यहाँ से भी अंदर की तरफ होगी, तो तीनों डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन होंगी। तो हेंस मैं कह सकता हूँ, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों की वजह से होगी, मैं आई एम रिपीटिंग इट, वन से थ्री की वजह से बात कर रहा हूँ बस मैं अभी, तो वो होगी थ्री टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर बाय टू। मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा, बस इसको एज इट इज रखे रहने दे रहा हूँ, 2 sin 45 डिग्री into I by 4। क्या सबको क्लियर है? Yes sir. Yes sir. अच्छा, अब हमने क्या किया, एक और वायर ली नीचे वाली, लेकिन नीचे वाली में करंट देखो कितना है, 3I/4, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान से देखो बाहर की तरफ होगी, करके देखे, एक स्ट्रेट लाइन ले, इधर डायरेक्शन ले करंट की, और यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो पॉइंट वाली आएगी बाहर की तरफ। देखो पाम रूल लगा के देखो, हथेलियां आपकी तरफ दिखाई देंगे, लगाया देख लिया, बाहर की तरफ। तो अब जो फोर्थ वाले की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा लूंगा, तो कहूंगा म्यू नॉट अपॉन 4π r/2, तो r/2 ही रहेगा, 2 sin 45 डिग्री भी सेम रहेगा क्योंकि एंगल तो सेम ही है भाई, एंगल थोड़ी डिफरेंट हुआ ये वाला, तो ये भी 45 और ये भी 45। इसका म्यू नॉट अब आई देखो, आई कितना था यहाँ पे, 3I/4, तो ये हो जाएगा 3I/4। अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट 4π r/2 2 sin 45 i/4 और 3 और 3, एक पॉजिटिव क्योंकि अंदर की, एक को नेगेटिव मान लो अंदर की तरफ वाले को, और बाहर की तरफ वाले को पॉजिटिव मान लो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों को ऐड करोगे 0। ऐसा बच्चे भाग गए होंगे, ये मास्टर गया अगला। नो सर, नो सर, दोबारा मेरे से पूछ लो क्या आपकी समझ में आया, बताओ। अरे आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। अरे बेटा तेज को आगे बात को चला दे, हर क्वेश्चन में एक ना एक गलती जरूर करता हूँ। सर सर अब थोड़ी देर तक देखा और समझा तो आ गया समझ में। चलो भगवान भला करे। सर आपकी ड्राइंग बढ़िया हो गई है। नहीं है, मैं तो स्ट्रेट लाइन तो इस पीसी का कमाल है मेरा। नहीं, पहले जो आपने हाथ बनाया तो वो भी बढ़िया लग रहा था। चुड़ैल का लग रहा था मुझे, मैंने कैसा बन गया। अंदर वाले को नेगेटिव भी है ना, मतलब कोई क्या 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 हम अंदर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, और तुम्हारे ऊपर है किसी को पॉजिटिव लो किसी को नेगेटिव लो, लेकिन ऑब्वियसली बात है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो
एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी डिडक्टेड। क्या क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आज तुम ना क्वेश्चन ही करो, आज तुम ऐसे क्वेश्चन करो। एक और वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है और इसमें से हम स्क्वायर निकाल लेंगे लाइक दिस। स्क्वायर नियर रेक्टेंगल जैसा लग रहा है लेकिन इसको स्क्वायर मान के करना, ठीक है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ निकालनी है और ये इनफाइनाइट वायर है लाइक दिस, इट इज इनफाइनाइट वायर। निकालो सर, करंट वापस से वही आई है। मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना आप लोगों को, देखो ये डिस्टेंस आप इसको क्या लोगे, इसको आर ही ले लेना या ए ले लेना, ए थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। चल आर ही ठीक, आर ही ठीक है, नहीं ये ले लो, क्यों नहीं कर दिया सर, ये स्क्वायर है ना? हाँ बेटा स्क्वायर ही लग नहीं रहा लेकिन भावनाओं में स्क्वायर ही है। ओके सर, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो बाकी सब में तो वही होना है जो पिछले सवाल में होना था, तो यहाँ से 3i/4 जाएगा और यहाँ से i/4 जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले केस की वजह से तो जीरो ही रहेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ इनफाइनाइट वायर की वजह से होगी, वो तुम्हें देखना है कि कैसे निकालना। और आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन बताया था तो बिल्कुल ऐसा तो निकाल सकते हो। सर R by 2 ले, A by 2 ले। बेटा A ले लिए तो A by 2 ले लो, अगर R ही लेना है तो R by 2 ले लो। ओके सर, आंसर आ रहा है लेकिन बताने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मत बता, बाहर जब मैं निकालूंगा तब देखना। सर mu not I upon pi है, पता नहीं बेटा, मैं देखना पड़ेगा। अरे क्या मुझे बाहर निकाल देना सर, ए बाय टू होना चाहिए यार की जगह, आर की जगह ए बाय टू, आर ही लिया है ना मैंने तो, ये तो ले आएंगे ना मैंने सर, ये ही आ गया मेरा। सर आगे क्या होगा इसके? बस हो गया आंसर, अच्छा सर यही है आंसर, सर ये वाला आ गया मेरा, बढ़िया दो क्वेश्चन सही हुए आज। सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट?
यस सर यस सर ये वाला आ गया बढ़िया एक क्वेश्चन और कर लो इसी के ऊपर अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक है इसमें करंट टोटल आई फ्लो कर रहा है मतलब इसमें कोई करंट डिवीजन कुछ नहीं हो रहा ये भी आई है ये भी आई है और ये भी आई है ठीक है और सेंटर बेसिकली सर उस वाले का आंसर बताना एक बार बेटा बताया तो था वो आंसर ही था जो मैंने लिखा हुआ था जो तेरे साथ मिला भी यही है ये रहा यस सर कंफर्म कर रहा था मैं ठीक है सर अरे सीरियस पहले देखा था तो कंफर्म नहीं हुआ था डिस्टेंस इसकी आर लेनी है ए लेनी है आर आर सर आर ले लिया आर जी कितना होगा सर एक मिनट निकाल दे दो ज्योमेट्री से निकालेंगे आएगा रूट थ्री बाय रूट थ्री ए अपॉन टू वन थर्ड आएगा सर अगर ये सेंट्रोइड है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लिया हाँ ये सर यही आएगा अच्छा ये ए बाय टू ये आर बाय टू हो जाएगा आर बाय टू हो जाएगा वो आर हो जाएगा क्या बेटा ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है यस लग रहा है ना वाटर चू ये आपकी जो लेंथ आ रही है ये मैथमेटिक्स है इसमें ज्यादा फिजिक्स कुछ नहीं है रूट थ्री आर बाय टू आएगा सेकंड अगर ये पूरा एंगल पूरा एंगल 360 होता है तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तीन एंगल्स में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये सब 120 के एंगल होंगे सर अब उस 120 एंगल को हाफ ऑफ डिवाइड किया तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा हां बेटा बोल क्या होगा सर ये रूट 3 r / 2 कैसे आएगा सर इसका भी 1 3rd होगा ना तो उसका 1 3rd 1 3rd रखा दोगे ना ये रहा यहां पे रूट 3 r / 2 तो ये वाली लेंथ निकाली थी टोटल इसका 1 3rd तो यही होगा ना ये तो लिख तो दिया मैंने ठीक है सौम्या तो रूट नीचे आएगा ना सर अंडर रूट वाले में अंडर रूट वाले में सर जैसे 1/3 को सर रूट थ्री इंटू थ्री लिखेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो सर रूट थ्री नीचे आएगा ना यही तो बात तो वही है रूट थ्री सर जहाँ पे आपने लिखा है ना वहाँ पे रूट थ्री आर बाय टू लिखा है रूट थ्री आर बाय टू ये वाला कह रहे हो ना नहीं सर जहाँ पे आपने सर जो फिगर में बनाया वहाँ पर अच्छा ओके ओके सॉरी फॉर दैट ठीक है मुझे एक्चुअली दो दिखाई दे रहे थे छोटा वाला दिखाई नहीं तो यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या करेंगे अब आप ध्यान से देखो पहले तो डायरेक्शन तो आपको समझ में आएगा सारी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही है मतलब तीनों ऐड होंगे पहले जिसको थ्री टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर आर कितना हो गया रूट थ्री आर अपॉन टू इंटू थ्री तो दिस इज योर 4 पाई आर इनटू में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 तो sin थीटा 1 बोथ आर एक्चुअली 60 डिग्री तो sin 60 प्लस sin 60 रूट 3 बाय 2 एक्चुअली होगा तो एक्चुअली दोनों ऐड हो जाएंगे तो रूट 3 आ जाएगा वो रूट 3 बाय 2 ये रूट 3 ही आ जाएगा तो हेंस इट वुड बी 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और ये वाला पार्ट आपका रूट थ्री से जाएगा तो ये रूट थ्री आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो ये रूट थ्री आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री और आ जाएगा ये इसका रूट थ्री आएगा तो ये आपका आंसर हो गया सर हमने सॉल्व कर चश 9/2 म्यू नॉट अपॉन 5 म्यू नॉट 5
अरे ये क्वेश्चन आपने कब दिया? क्या हो गया तुझे? नींद में आया तो मुझे लग रहा है सर, मतलब ये क्वेश्चन तो आपने देते ही सॉल्व कर दिया, तो हमने तो सॉल्व ही नहीं किया इसे। यार तुम्हें टाइम तो दिया था मैंने, अब और कितना टाइम दो तुम लोगों को मैं सॉल्व करने का? सर कब दिया सर टाइम? अभी तो क्वेश्चन ही दिया, उसका सॉल्यूशन भी कर दिया आपने। मैंने कहा किया सर, तुमने किया, मैं तुमने तो बताया तो मैंने कर दिया, टाइम तो दिया था। देखा मेरा बच्चा साथ है, थैंक यू बेटा। नहीं नहीं सर, मैंने सर ना ये बोले थे हम आपके साथ हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने आपसे पहले आंसर निकाला है। हाँ ये और बढ़िया। अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, करंट जो है वो आई जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आई गोइंग राइट, बट ये एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट से डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस आपका डी है, ठीक है। अब आप निकालिए मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, अब मैं नहीं बता रहा कुछ, अब अपने आप को। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज आपका मतलब बत्ती दूर कर दिए मैंने। वो इंफिनिटी वायर है ना दोनों? हाँ बेटा दोनों इंफिनिट वायर। और ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस है जो डी है। सर ये अल्फा एंगल बाइसेक्टेड या डॉटेड लाइन से? हाँ बेटा बिल्कुल सेंटर से लिया जी, तो अल्फा बाय टू होता है। या मैं काम करता हूँ, या आप घर से करके लेके आओ, कल बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, नहीं तो मेरा मन करेगा मैं सॉल्व भी कर दूंगा नहीं तो इसको। तो 5:30 वैसे भी हो गए हैं, आप लोग आराम से क्लास ओवर करो और बैठ के इसको सॉल्व करो, तब उठना ठीक है, और आज की क्लास ओवर करता हूं। सर ये डिवीजन हो गया मेरे साथ, मेरे को तो पता भी नहीं चला कब आपने टाइम दिया ट्रायंगल वाले क्वेश्चन के लिए। अरे ठीक है ना भाई, ठीक है, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं दे रहा टाइम, बताओ अब, इसलिए मैं क्लास बंद कर रहा था कि तुम आराम से टाइम दो, अब इसके लिए मत करिए कि तुमने कल इसके लिए भी सर टाइम नहीं दिया, अपना तो क्लास अटेंड करती। सभी प्लीज प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आपकी क्लास है क्या अगली? अभी मैथ्स की? यस सर है। यस सर, यस सर है। चलो ठीक है, तुम अपना क्लास एंजॉय करो। नहीं सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था सर आपसे। हाँ बोल बेटा सौम्य, तू कल भी सर पूछ ली थी, तूने पूछा नहीं? हाँ सर, वो कल भी सर मैं थोड़ा ऐसे ही भूल गई थी सर। कोई नहीं, क्या कह रही थी बेटा? सर जैसे एक इक्वेशन होती है PV equal to NRT, सर हम वो किसी भी केस में लगा सकते हैं और कभी भी? आइडियल गैसेस के लिए होती है। आइडियल गैसेस के लिए, लेकिन सर एक क्वेश्चन था जैसे, सर मैं डिक्टेट कर ही देती हूँ। 2 soap bubbles and we are kept in a closed chamber where air is maintained at a pressure of 8 newton per meter square. The radii of the bubbles A and B are 2 cm and 4 cm respectively. Surface tension of soap water used to make bubble is 0.04 newton per meter. Find Na upon Nb upon Na, where Na and Nb are the number of moles of air in bubbles in A and B respectively. तो सर इसमें जो surface tension लगानी थी सर, वो तो मैंने अपने से लगा ली, लेकिन सर जब उन्होंने solution करा था तो सर उन्होंने कहा कि इस soap bubble वाले में उन्होंने PV equal to NRT use कर दिया, तो सर वो सही है फिर? बेटा actually क्या होता है, जब ज़्यादा difficult questions होते हैं ना, तो तुम्हारे level पे हमेशा PV is equal to NRT ही रहता है। जब actually हम भी नहीं, मैं अगर मतलब इंजीनियरिंग की बात करूं, जब हम उसमें जाते हैं तो जाके हम आइडियल गैस इक्वेशन को छोड़ के रियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, वो भी बहुत फ्यू केसेस के अंदर, तो जनरली नहीं, तो क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, एरिया स्पेसिफिक लोग भी उसके ऊपर काम करते हैं, तो जनरली हम उसी को ही लगाते हैं, ठीक
तो तेरे वाले केस में तो तू हमेशा मान के चल तुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से जो डिराइव्ड इक्वेशन होंगी मोनोटोनिक डायटोमिक ट्राइटोमिक गैसेस वाली सब वही लगानी है और कुछ नहीं लगाना। ओके सर ओके ऐसा लग रहा है मुझे आ गया इसका आंसर। बढ़िया है बिल्कुल मैं कल ही बताऊंगा काफी सस्पेंस बना रहा है। I'm ending the class, right? Bye, आज के लिए। आज आवाज नहीं ब्रेक हुई ना मेरी किस्मत से? नहीं सॉरी कभी नहीं ब्रेक हुई थी। कोइंग भी आपकी बहुत बढ़िया लगी। क्या? नहीं मतलब कह रहा हूँ। वो कह रहा है आपके डायग्राम अच्छे लगे। अच्छा डायग्राम ओके डायग्राम सुनाने में। चलो बेटा मैं जाता हूँ फिर टेक केयर। बाय सर। आप भी थोड़ा आराम करो आधे घंटा ठीक है क्वेश्चन करने के बाद। ओके सर गुड इवनिंग सर। ओके सर गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अबे यार सर ने सही में टाइम